हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं न्यू के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है KGMA की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, ठीक है, सभी ने एग्ज़ाम भी दिया होगा, यानी कि अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया गया था। लेकिन जो उसमें जो एक बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो फाइनल जो रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो KGMA ने जो बोला था कि हम रिजल्ट जल्दी ही निकालेंगे, यानी कि KGMA की तरफ से ये बयान था कि एक हफ्ता के अंदर, यानी कि एक सप्ताह के अंदर हम जो रिजल्ट है वो निकाल देंगे। लेकिन अभी तक जो फाइनल जो KGMA का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, ठीक है। सिर्फ स्कोर कार्ड जारी करके अब जो भर्ती है वो प्रोसेस है बिल्कुल ही कम हो चुकी है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो जानकारी है वो देने वाले हैं आप सभी को कि जो भर्ती की प्रोसेस है आगे क्या रहने वाली है। तो जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में, यानी कि बाद में ये हुआ था कि जो प्रश्न था, यानी कि जो प्रश्न पत्र था KGMA का, वो लीक होने की संभावना थी। वो मामला है वो आगे भी गया था KGMA के प्रवक्ता, जो KGMA की जो टीम है उनके पास भी वह गया था। तो उन्होंने जो टीम है वो भी गठित की थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की टीम भी गठित की गई थी KGMA के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में टीम गठित करने के बाद में ना तो कोई उसका जो टीम का जो रिजल्ट आया है, यानी कि उसका परिणाम क्या रहने वाला है कि भाई पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ना फिर KGMA की तरफ से जो फाइनल रिजल्ट है वो निकाला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी और जो न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है। जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बड़ी बेकार यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि जो एग्ज़ाम है अभी जो फाइनल रिजल्ट आपका होने वाला है वो फाइनल रिजल्ट आपका और लेट होगा, ठीक है। अभी आपका, यानी कि अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट अभी थोड़ा सा लेट होगा। और उसके बाद में अब रिजल्ट की अपडेट है वो कब तक निकालते हैं वो KGMA के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन जो ये मामला हुआ है, यानी कि प्रश्न के पत्र का लीक होने का, ठीक है, प्रश्न पत्र लीक होने का जब मामला हुआ है, इस मामले की वजह से, यानी कि सिर्फ इस छोटे से मामले की वजह से जो भर्ती है वो अटक चुकी है, ठीक है। और उसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट आना था, यानी कि KGMA का जो फाइनल रिजल्ट आना था, KGMA ने जो वादा किया था कि हम एक सप्ताह के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो देंगे, तो वो रिजल्ट नहीं आया है। और अभी तक भी यहाँ पर कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि जो आपका रिजल्ट है एक या दो दिन के अंदर निकाला जाए। तो ये आपके लिए बताना जरूरी था कि अभी और लेट होगा KGMA का रिजल्ट। उसका कारण क्या था, रिजल्ट होने का लेट होने का कारण क्या है, वो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि लेट किस प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से हुआ है। और जो जैसे ही रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट की अपडेट आएगी, तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय।